प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस खाली जोखिनि बाकी ऑफ डिफिकल्ट हम पे बट ट्राई गोटेखी डिफिकल्टीसम डिफिकल्ट नहीं। किस डिफिकल्ट? तो क्वेश्चन नंबर की एरर क्वेश्चन नम्बर एरर आनारे इज आई एवरीवन शुड पार्टिसिपेट नंबर सिक्स में एरर क्या है

वेंट वेंट तू प्रॉब्लम नो है हैज गोन लिखी सेनो हैज गोन लिखी वो पड़ी केस नहीं याद एकु प्रॉब्लम नहीं सब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था ना तो हर फॉर्म लिखी वो पड़ी सर ए पॉइंट ऑफ टाइम दिया नहीं था ना मास्लीफ सर ए पॉइंट ऑफ टाइम दिया नहीं था ना मास्लीफ ऐसा नहीं है नहीं हेतु तो ह

চৰি মই মাইক লগোৱাই নাই অ কালিখিনিয়ে करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर तुम बी कौरव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाउ इट इज हि इज टीचिंग इंग्लिश ओके आजिकली ही इंग्लिश पढ़ाई से आजिकाली ही इंग्लिश पढ़ाई से आजकल वो इंग्लिश पढ़ा रहे इंग्लिश नॉट हि टीचिज इंग्लिश नाव इट इज बोल रहे हैं ना आजकल का बात चल रहा है अभी सो इट विल बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स ठीक है सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 में बोल देता हूँ 7 आपका एक नया कॉन्सेप्ट है तो तुम लोगों के ना लगे जस्ट साइलो इट इज हाई टाइम जति एनी को थकनो इट इट इज हाई टाइम इट इज हाई टाइम ओर पिसद होदय पास्ट टेंस आई बोलना सर सिंपल पास्ट इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड ओके

एस सोन एज आई गेट मैंने एरर टू को दस है हाँ अदर्स अदर्स बहुत ओनली देर आर अराउंड ट्वेंटी पीपल इन द क्लास और उसमें से सिर्फ पाँच लोग आंसर दे रहे ठीक है सब लोग का आंसर आना चाहिए एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल शुड आंसर फिफ्टी परसेंट तो आंसर करना ही चाहिए फिफ्टी से ज्यादा ही करना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा देखो यहाँ पे दो एक्शन है दूटा फ्यूचर और दूटा एक्शन जो फ्यूचर और थके जून टू एक्शन फास्ट ऑफ हो वो। दो एक्शन अगर फ्यूचर का है जो एक्शन पहले होगा उसके साथ सिंपल प्रेजेंट लगता है और जो बाद में होगा वो सिंपल फ्यूचर लगेगा आई विट यू नो एस सुन एज आई विट एनी न्यूज इसका मतलब जब मुझे न्यूज मिल जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा तो पहले न्यूज मिलेगा फिर मैं आपको बताऊंगा तो पहले जो मिलता है लगे ओके याद विल ना होके जो फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट होन्सेप्टे कालीके যোনটো একচন ফিউচাৰতো ফাৰ্ষ্টত হ'ব তাতে সেইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হ'ব আৰু যোনটো ছেকেণ্ড একচন হ'ব দেট উইল বি ইন চিম্পল ফিউচাৰ প্লিজ ট্ৰাই টু ডু দিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন নাইন আৰু টেন কৰা অ'কে ইলেভেনো কৰি ল'ম বাকী চাৰিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা सर, he gets up, तीन टाइम्स इजी होए, सही कोड़ा? he gets up, कुछ बोल रहे क्या? क्यों क्वेश्चन? he gets up, तो so, C2 इनकरेक्ट uh, हो, है तो uh, he gets up हो कारण याते एंड और दोनों ही मतलब एक साथ अपना अपने साथ आ, सेम लेता है मतलब वो सेम सेंटेंस समझ गया फाइलोरिज़म ना यस yes. हम्म सही है वो वो तो है देखो वो वो एंड से मतलब नहीं है एक्चुअली एंड नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता हां मतलब भी मतलब यहां पे ये वो जो क्या बोलते इसको रेगुलर एक्शन है ठीक है हाँ, तो रेगुलर है सिंपल मतलब तो प्रेजेंट में होता है हैबिट को बता रहा है तो यहाँ पे इस... प्रेजेंट टेंस का यूज होगा एक सेकंड एक सेकंड कुछ बोल रहे क्या कुछ कोई कुछ बोल रहा था क्या मतलब तो बोल रहा था मैं हैबिचुअल एक्शन है, है इसीलिए मतलब प्रेजेंट टेंस हाँ, का यूज बोला, होगा सही सही बोला सही, सही बोला सही बोला सिंपल प्रेजेंट देखो कुछ अगर बोलना है ना तो मेरा एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा सा खराब है तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है तो आप प्लीज टाइप कर दो नहीं तो मुझे ईयरफोन पहन के पढ़ाना पड़ेगा <laughs> तो वो फनी लगेगा अभी जब रिकॉर्डेड वीडियो निकलेगा तो तो फनी लगेगा वो ठीक है पहले आप बोल दो चैट में मैं तब ईयरफोन लगा सकता हूँ लेकिन ये तो सुना ही नहीं देता है माइक लगा हुआ है तो साउंड नहीं आता है बाहर ठीक है देखो ये सीक्रेट ऑफ हिज फिटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही

ऑप्शन बी हैव स्टडीड यस ठीक है सर हैव बीन स्टडीिंग होबो नेकी Uh -huh. मैंने हॉप ऊपर नहीं की हैव बीन स्टडिंग की जी मैंने प्रेजेंट पार्ट हैव बीन स्टडिंग फॉर फाइव इयर्स एक सेकंड हैव बीन स्टडिंग हो बो पड़े हम्म हो सकता है

थोड़ा वेट कर लो यार पूछने से पहले आप लोग आंसर बता देता है ये ऐसे तो बा बाकी लोगों का क्लास लेके फिर क्या फायदा होगा ऐसे मत करो थोड़ा रुक जाओ ठीक है इलेवन नंबर बोल दिया चलो दो लोगों ने तो बोल दिया बाकी लोग भी बोल दो आंसर ए देखो फर्स्ट आंसर देना जरूरी नहीं है करेक्ट आंसर देना जरूरी है लेकिन चलो आप लोग फर्स्ट भी दे रहे हैं करेक्ट भी दे रहे हैं तो आप लोगों को कुछ बोल नहीं सकते सही है सही है ठीक है सही है सही है आई इन दिस बंगलो सीन्स है ना तो सीन्स में आप हैव बीन लगाओ है ना हैव बीन आएगा ना आई हैव बीन लिविंग ठीक है ये तो सिंपल था तो उसके बाद देखो अच्छा किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक क्या अभी तक तो, तो, जो भी किया हो गया ये पांच क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना मैं इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चन डालूंगा सारा ये थॉट अपनी लास्ट टू आंसर हो दिया ऐसा सब किस नहीं होबो होबो सॉरी को वो ना लगे बड़ो मो एनी ठीक है तो ये देखो ये लास्ट का जो है ये चार क्वेश्चन होमवर्क करना मैं आपको ये पीडीएफ आज दे दूंगा और जो हमारा वेबसाइट में मॉक टेस्ट होगा उसमें मैं और भी क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा ठीक है तो वो आप ये प्रैक्टिस करो फिर वहाँ से प्रैक्टिस कर लो इना सफिशियंट ए के लिए सफिशियंट है उससे ज़्यादा नहीं चाहिए तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नरेशन। ओके तो आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लो अगर चाहिए तो थोड़ा रेस्ट ले लो एक मिनट बाद स्टार्ट करते नया चैप्टर है तो मुझे भी थोड़ा रिकॉल करने दो फाइव ट्वेंटी से स्टार्ट करेंगे वन मिनट का थोड़ा ओके तो नरेशन मींस वट नरेशन का दूसरा नाम है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है इसको हम लोग शॉर्ट में नरेशन बोलते हैं तो इसके ऊपर एक चैप्टर है इंग्लिश में इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑब्वियसली आसाम गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है ऐसे ही ये वाला चैप्टर आजकल के दिन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है लेकिन आसाम गवर्नमेंट में ये चैप्टर इससे क्वेश्चन आता है नरेशन से ठीक है लास्ट ईयर जो एपीडीसीएल का जो लास्ट पेपर था उसमें नरेशन का बहुत सारा क्वेश्चन था बहुत मतलब भरा हुआ था दस दस से नौ दस क्वेश्चन था एडीआर में उतना नहीं आएगा लेकिन ट टेक एनी चांस बट इट मे कम ऑल्सो सो हम लोग इसीलिए अपने हिसाब उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा तो डायरेसन मतलब डायरेक्ट स्पीच इनड डायरेक्ट को इंडाइरेक्ट में लेना इंडा डायरेक्ट में लेना है अदरवाइज आपको क्वेश्चन जैसा भी पुछ, कोई उससे फरक नहीं पड़ता है तुम्हें जो रूल्स बोल भल्के जाना देन तुम लो तु लोग इजिली वस्तु टू क्रेक कर কাট অফ কাট অফ লৈ মাথা নামাৰিবাচোন কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰা কাষ্ট জেনেৰেল জেনেৰেল হ'লে কিমান হ'ব ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ট্ৰাই কৰিবা স্ক'ৰ কৰিবলৈ হাণ্ড্ৰেড টেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ঠিক আছে ত' এতিয়া ক্লাছত যিমান পাৰফৰ্মেন্স ভালেই আছে ন সেইটোত ফ'কাছ কৰা এইবোৰ কাট অফ কিমান হয় সেইবোৰ ইমান একো মেটাৰ নকৰে অ'কে तुम जुदी प्रिपेरेशन भाटफ़ वन सेभेन्टी फाइव हम तुम पड़वा एक्चुअली आजिकाली काटअफ़ तो किसेंटेज बेसिस है तुम्हार मैं बेलेगर कम्पेरिजन मार्क्स ओके किटअफ़ दी मतलब ना तुम्हार पार्फर्मेन्स टू के देट मेटार्स तो फार्स्ट थिंग नेडेशन डायरेक्ट स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच तो डायरेक्ट स्पीच टू इनडाइरेक्ट स्पीच एंड इनडाइरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच कनभार्शन में क्या क्या चाहिए কি কি ইউজ হয় সেইটো চোৱা অ'কে পাৰিলে অলপ অলপ কষ্ট কৰি এটা নটছ বনাই লোৱা ইজি হ'ব তোমাৰ কাৰণে অ'কে যেনেকৈ চেঞ্জেছ ফ্ৰম ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্টত কি কি চেঞ্জ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট থিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হেজ টু বি চেঞ্জ অ'কে ছেকেণ্ড থিং কানেক্টাৰ ছেট কৰিব লাগিব মই কি হয় কি কোনটো কি হয় বুজাম বাৰু এতিয়া জাষ্ট চাই লোৱা অ'কে চেঞ্জ ৰিপৰ্টেড ৱাৰ্বেঞ্জ কৰিব লাগিব এট কানেক্ট আচ্ছা মই দুবাৰ লিখি দিলোঁ এইটো ছৰি ঠিক আছে চেঞ্জ ৰিপৰ্টেড ৱাৰ্বেঞ্জ হ'ব টেন্স চেঞ্জ হ'ব প্ৰনাউন চেঞ্জ হ'ব আৰু কি হ'ব আৰু এটা কিবা চেঞ্জ হ'ব ৰ'বা সেইটো আমি চেণ্টেঞ্চত চাম যেতিয়া তেতিয়া দেখিম অ'কে চ' প্লিজ ৰাইট ডাউন দিছ পইণ্টছ ইন ইয়ৰ কপি ইন ইয়ৰ নোটবুক অ'ৰ কপি হোৱাট এভাৰ নেক্সট আমি চাম যে কোনখিনি কেতিয়া চেঞ্জ হয় মষ্টলী দিৱালী দিৱালীৰ নেক্সট উইকলৈকে ইংলিছৰ প্ৰেক্টিচ এতিয়াৰ কাৰণে হেক কৰি দিম আফটাৰ ডেট আমি মেথছ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মেথছৰ প্ৰেক্টিচ হেৰি কৰি থাকিম মানে চলি থাকিব তাৰপিছত যেতিয়া ওৱান্স মেথছ উইল এণ্ড দেন উইল এগেইন বিগিন ইংলিছ মেথছ আৰু ইংলিছ বিকজ আই মোৰে চাব লগে হয় মানে ময়ো দুটা ছাবজেক্ট পঢ়োঁ ত' সেইকাৰণে অলপ মেনেজ কৰিব দিগদাৰ এই ডেটছ ৱাই নহ'লে এইটো টাইমত মেথ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ প্লেন আছিলে বাট ষ্টিল ইংলিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট চ' অ'কে নাও ইউ চি দিছ ইজ দ্য একজাম্পল অফ হাউ টু কনভাৰ্ট দিছ ইজ ইন ডাইৰেক্ট স্পীচ এইটো ডাইৰেক্ট স্পীচত হয় दिस इज इनडायरेक्ट की चेंज हुई फर्स्ट फर्स्ट तो ही ही सेड टू मी अच्छा लो के सही लो फर्स्ट देख लो कि एक जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसका क्या क्या पार्ट्स होता है हर एक सेंटेंस प्लीज टेल मी आप लोग मुझे बोल सकते क्योंकि आप लोगों ने अभी इंग्लिश थोड़ा पढ़ लिया ही क्या है सब सेंटेंस का व्हाट इज ही फॉर दिस सेंटेंस न्यू वन सब्जेक्ट वेरी नाइस वेरी नाइस सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है ही इज द सब्जेक्ट ठीक है ही सेड टू मी इस सेंटेंस में मी क्या है मी क्या है कोई बोल सकता है क्या प्लीज लग, टेक्स्ट लग कर दो अगर बोल रहे हो तो आप प्लीज टेक्स्ट कर दो गॉड ऑफ ऑब्जेक्ट यस मी इज द ऑब्जेक्ट ये जो सेट टू है ना दिस थिंग इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू ठीक है ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो है ना आई विल पेंट है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच ठीक है तो ही है सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बट इसका इंपोर्टेंस यहाँ तक ही है ये हम लोग को जाके कोई लिखना नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या क्या चेंज होगा अभी देखो जब सेंटेंस आ रहा है डायरेक्ट से जब कन्वर्ट हो रहा है इनडायरेक्ट में तो क्या क्या की की चेंज हो जाए स्वा फर्स्ट ही टोल्ड मी डैट एटा कनेक्टर एड हो गोल कनेक्टर ओके कनेक्टर एडिशन ऑफ कनेक्टर ओके नेक्स्ट दैट आई विल पेंट हियर आई क्या बन गया ही बन गया आई बन गया ही सो दिस इज व्हाट चेंज ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन चेंज हो गया देखो प्रोनाउन चेंज हो गया ठीक है विल बन गया वुड विल बन गया वुड ठीक है विल बन गया वुड तो चेंज ऑफ सर्टिन वर्ड चेंज होता है वो चेंज हो गया अभी अभी टेंस चेंज नहीं हुआ है हेयर विल बिकम देयर हेयर देयर होगा क्या नहीं होगा देयर ठीक है देखो व्हील बन गया वुड पेंट तो पेंट ही रहेगा हेयर हेयर ठीक है मुझे भी लग रहा है हेयर देयर होगा हाँ ये ये वाला ये वाला सॉरी सॉरी ये वाला टाइपिंग मिस्टेक है करेक्ट हेयर देअ होगा हेयर देयर होगा क्योंकि दिस दैट होता है दिस दैट होता है तो हेयर हेयर भी देयर होगा सही है ठीक है तो ही टोल्ड मी दैट दैट कनेक्टर ऐड हो गया कॉमा हट गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया कॉमा हट गया देखो कॉमा नहीं है तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया व्हील वुड हो गया पेंट हेयर पेंट देयर तो सर्टेन वर्ड्स चेंज होता है टेंस चेंज होता है लेकिन अभी टेंस चेंज नहीं हुआ है लेकिन जनरली टेंस चेंज होता है ठीक है सेड टू हो गया टोल्ड मी बस उतना ही है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू था रिपोर्टिंग वर्ब हो गया टोल्ड मी कॉमा हट गया एक कनेक्टर आ गया दैट इस कॉमा को कॉम्पेन्ट करने के लिए ये कनेक्टर आ गया दैट प्रोनाउन आई था प्रोनाउन बन गया ही विल बन गया वुड पेंट हेयर बन गया पेंट देयर ही टोल्ड मी तो क्या क्या चेंज हुआ देखो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ क्योंकि कॉमा हट गया एडिशन ऑफ कनेक्टर आया दैट आया था सेंटेंस में दैट आया रिपोर्टेड वर्क चेंज हुआ देखो रिपोर्ट सॉरी रिपोर्टेड वर्क था से टू बन गया वो टोल्ड मी ठीक है टोल्ड मी बन गया चेंज टेंस चेंज हो यहाँ पेन्स चेंज नहीं हुआ लेकिन जनरली टेंस हो, चेंज होगा चेंज प्रोनाउन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा प्रोनाउन देखो आई था यहाँ पे ही आ गया ठीक है सिंपल चीज है एकदम सिंपली इसको देखना है ज्यादा कॉम्प्लीकेट मत कीजिए ठीक है तो अभी आप लोग देखिए उसके बाद जैसे कि ये वाला सेंटेंस फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो ही वेल टुडे सेकंड वाला है, he says that he is feeling well today. वाला सेंटेंस गलत है क्या इनडायरेक्ट स्पीच एनी वन गलत है कि सही है फर्स्ट वाला करेक्ट है ना हाँ क्यों वहां पे क्यों टोल्ड नहीं आया टोल्ड मी ही टोल्ड दैट क्यों नहीं आया ठीक है देखो इसमें क्या चक्कर है ना देखो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना जो रिपोर्टिंग वर्ड है ये ये अगर पास टेंस में है जो तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर पास टेंस में है तभी हमको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है सर टुडे दैट डे नहीं होगा नहीं होगा दैट डे नहीं होगा टुडे होगा टुडे होगा वो हम लोग थोड़ी उसमें वॉइस चेंज नहीं आई है ये ना ये ये थोड़ी है सिर्फ है इन्वर्टेड कॉमा को ही हटाना है में today day हो जाता है इसमें नहीं होता है ओके सो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में जाएगा सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है जैसे कि यहाँ पे सेट टू है तभी हम लोग देन चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब ये आप लोग लिख लो कहीं पे ये प्लीज आप लोग लिख लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम लोग उसको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे नहीं तो चेंज नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से टू है पास्ट टेंस में है तो इसीलिए हमने चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है अदरवाइज हम लोग चेंज नहीं करेंगे वी विल नॉट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब चलो जैसे ये वाला देखो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट में है ना ही सेज तो यहां पे इसीलिए चेंज नहीं हुआ नॉर्मल है he says ही 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 सेज 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 होगा कनेक्टर तो आएगा कॉमा हटाने के लिए दैट इज नॉट ही इज फीलिंग वेल टुडे ओके सिमिलरली ये वाला देखो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखने लायक है देखो

अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है जो रिपोर्टिंग वार्व प्रेजेन्ट टेन्स देन ना एक सेम सेम लिखी दीबा जस्ट डेट लगे दिवस ओके लिखी दी याते आई एम टू ही एम लिखी दीखी सेम और टेंस टू चेन्ज कर लगे दिस केस आई विल गो टू गोवा दिस वीक शी सेज सेज से नेक्स्ट नेक्स्ट सी सी अगर अगर हमारा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा फ्यूचर टेंस में भी है ही विल से तभी भी also, तभी भी आपको चेंज नहीं करना है ठीक है ही विल से ही विल से को ही विल टेल मी दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम ओके सिर्फ अगर पास्ट में है तभी चेंज करना अदरवाइज चेंज नहीं करना है। ओके okay, यहाँ पे आप ही विल से टू मी भी लिख सकते हैं इट दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो भी ही विल से टू मी दैट आई एम नॉट काइंड ओके एकदम सेम कुछ भी चेंज नहीं करना है अगर डिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तभी आपको चेंज करना यहाँ तक क्लियर है ना सबको किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक एनी वन हैविंग एनी डाउट डाउट तो नहीं है शायद नहीं है ना चलो तो अभी तक हमने सिर्फ यही सीखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है तब आप क्या करो सेंटेंस का आप टेंस चेंज करेंगे नहीं तो आपको चेंज नहीं करना है ठीक है चलो नेक्स्ट ये वाला देखो ही दैट ही सेड आई एम सिक ही वॉज सिक रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है चेंज करना पड़ेगा टेंस टेंस कैसे चेंज होगा टेंस ऐसे चेंज होगा कि जो भी सिंपल प्रेजेंट है वो बन जाएगा सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होगा वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा चेंज कब होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में है तब चेंज नहीं होगा तब कोई भी चांस ही नहीं है कभी भी चेंज नहीं होगा अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तभी हमारा चेंज होगा क्लियर टू एवरी वन ठीक है तो अभी बात है कि कैसे चेंज होगा मतलब चेंज तो होगा बता दिया ना अभी कैसे चेंज होगा तो ये ऐसे चेंज होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच ये एक्चुअली है चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो कॉमा के अंदर रहता है तो जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है सिंपल प्रेजेंट में तो वो चला जाएगा सिंपल पास्ट में अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चला जाएगा पास परफेक्ट में ठीक है आपको इतना ही ध्यान देना है तो इजीली पढ़ा रहे देखो एकदम मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी तरह का माइन्यूट डाउट भी ना रहे ठीक है तो ये है ही आई हैव पास द एग्जामिनेशन ही have आई the एग्जामिनेशन तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट बन गया सिंपल है यहाँ पे देख लीजिए जो हो रहा है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट मतलब सिंपल बात है कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट बन जाएगा पास्ट बन जाएगा ठीक है जैसा है वैसा करो प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा सिंपल उतना दिमाग क्यों लगाना है प्रेजेंट पास्ट बनेगा आई हैव पास द एग्जामिनेशन ही हैड पास्ट ठीक है ये वाला थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जस्ट एक मिनट ठीक है ये वाला देखिए मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो मोहन सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई अरे यार ये डबल आ गया ठीक है तो ये था हमारा क्या चेंज था uh, चेंज इन सिंपल प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट टू पास्ट अभी सवाल उठता है कि अगर पास्ट है तो क्या होगा पास्ट है तो क्या होगा देखो मैं आपको एक पेज में जस्ट हाँ मैं यहाँ पे पेज क्रिएट करके आपको समझा देता हूँ फिर हम लोग देखेंगे देखिए इफ रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में क्या होगा सिंपल पास्ट में है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में अगर है अभी क्लास ज्वाइन कर रहे लोग पास्ट कंटिन्यूअस में अगर है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ओके जो भी पास सिंपल पास्ट हो थके तीसरे कन्वर्ट हो जब वो इनटू पास्ट परफेक्ट और जो भी पास कंटिन्यूअस हो थके देन इट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी पास परफेक्ट टेंशन हो थके जो भी पास परफेक्ट टेंशन हो थके কোনটো যদি পাষ্ট পাৰফেক্ট বা পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছত থাকে তেতিয়াহ'লে ইট উইল ইনকাৰ ন' চেঞ্জ একো চেঞ্জ নহয় কপি কৰি দিব লাগে অ'কে কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া চিম্পল পাষ্ট আৰু পাষ্ট কণ্টিনিউছ থাকে যদি চিম্পল পাষ্ট আছে দেন উই হেভ টু কনভাৰ্ট ইট টু পাষ্ট পাৰফেক্ট এণ্ড ইফ ইট ইজ অলৰেডি ইন পাষ্ট পাষ্ট ইফ ইট ইজ ইন পাষ্ট কণ্টিনিউছ উই হেভ টু কনভাৰ্ট টু পাষ্ট পাৰফেক্ট কনটিনিউছ টেঞ্চ क्लियर है ना सबको प्रेशर तो नहीं हो रहा है ज्यादा देखो ये छोटा सा चैप्टर है अगर प्रेशर हो रहा है क्या ज्यादा किसी को एक दिन में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है ऐसा लग रहा है क्या ऐसा तो नहीं है ना हल्का है ना ठीक है एक दिन के लिए सफिशियंट इंफॉर्मेशन अच्छा है ज्यादा लेंगे तो वो भी खराब है और कम लेंगे तब तो, तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा चलो. तो ये है ये सेंटेंस है ये, इसी का डेमोंस्ट्रेशन स्लाइड्स में है जैसे कि सिंपल पास टेंस जो है वो कन्वर्ट होगा आपका पास्ट परफेक्ट में फॉर एग्जांपल राम सेड ही विजिटेड डेरागांव ही विजिटेड डेरागांव विजिटेड क्या है पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस ओके विजिटेड क्या है सिंपल पास्ट टेंस तो वो क्या चेंज होगा पास्ट परफेक्ट दैट ही हैड विजिटेड डेरागांव ही हैड विजिटेड डेरागांव ठीक है सिंपल सिंपल एग्जांपल्स नेक्स्ट ये हो गया आपका uh, क्या बोलते tense, तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही वाज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सेड बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री ठीक है तो वॉज सिंप पास्ट कंटिन्यूस है नेक्स्ट uh, जो है आपका नेक्स्ट वाला आई हैड फिनिश्ड माय वर्क लॉन्ग एगो नो चेंज ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क लॉन्ग एगो मतलब क्यों क्यों चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो सेंटेंस है वो किस में है पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा विल बी विल रिमेन द सेम सेम रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस को लेके है फ्यूचर टेंस फ्यूचर में क्या होगा अगर चेंज हुआ फ्यूचर में मतलब अभी आप लोग मुझे बताइए मैं आपको एक देखता हूँ आप लोगों ने कितना ध्यान दिया क्लास में आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि फ्यूचर में तो वुड होगा ना विल ये तो आपने देख लिया विल वुड होगा ये वाला कहाँ विल वुड होगा शेल शुड होगा कैन कुड होगा ये तो आपने देख लिया ठीक है मैं आपको अभी एक सेंटेंस बोल रहा हूँ रमेश शेरस आई विल क्लियर एडीआर एग्जाम एडीआर एग्जाम नेक्स्ट टाइम इसका मुझे आप इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए और आप मुझे ये करिए क्या बोलते हैं मतलब फुल सेंटेंस आप मुझे लिख के बोलिए प्लीज वॉइस में मत बोलिए ये तो समझ में नहीं आएगा या फिर यू कैन टेल एनीथिंग एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट विल बी सफिशियंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड विल क्लियर ही विल क्लियर राम सेज ही विल क्लियर ओके अदर्स मुझे गौरव और अंकिता का आंसर रॉन्ग लग रहा है क्यू अदर्स एनी अदर आंसर री रमेश मैं रंग कहना एनी आदार आन्सारि उल क्लियर हि उल क्लियर टेन्स टेन्स हो रो फ्यूचार पास निकी राम सेज देट हि उल क्लियर रमेश क्लियर रमेश सेड दैट ही आप प्रियादास ही विल क्लियर कैसे होगा यार क्लियर तो पास टेंस है विल तो फ्यूचर टेंस है ये कैसा टेंस बनाया ही विल क्लियर होगा नहीं तो ही वु क्लियर होगा नहीं तो ही क्लियर होगा ठीक है ठीक है तो आप लोग में से सिर्फ गौरव अंकिता और, और क्या किसने किसने करेक्ट आंसर दिया गौरव अंकिता संगीता और सत्यव्रत सेज दैट ही विल क्लियरली सही है ठीक है वो सही है सही है ना यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर प्रेजेंटेंस में है तो फिर क्यों चेंज करना है उसको ৰিপ'ৰ্টেড স্পীচ চৰি চৰি চৰিপৰ্টিং ৱাৰ্ড চৰি আইম এক্সট্ৰিমলি চৰি য' ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্ড হে ৱ আগৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স মে হতা হয় ত' উচকৌ চেঞ্জি নে কৰা নাই সেইটো চেঞ্জ কৰিবই নালাগে ন যদি ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্ডটো তোমাৰ পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি চেঞ্জ কৰিম হয়নে ৰিপৰ্টিং ৰিপৰ্টেড ৱাৰ্বটো যদি তোমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চতে আছে দেন আমাক টেন্স চেঞ্জ কৰিবই নালাগে একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে চিম্পল আনচাৰ হ'ব ৰামেশ ছেজ ডেট He will clear A.D.A. exam next time. Same होगा same. एकुछ change नहीं है. एकदम same. पूरा same था कि वो. Okay. It all. It everything depends upon this. This reporting verb. ये अगर past tense में है. If it is in past tense, then only change. तभी change करो आप. माहौले change नकली बस सुबह ही ना लगे तक. Same था कि वो दिया. Okay. समझ में आ गया ना जिनका रॉन्ग आया था सुब्रदास प्रियाक्षी प्रिया थोड़ा समझ लो से, से, से प्रेज़ेंट टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेज़ेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा सब डिटो रहेगा सेम टू सेम कि ये बात मैंने बहुत पहले बोला था इसलिए मैं आपको चेक करना चाह रहा था कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं तो ठीक है तो यही मेन कॉन्सेप्ट है देखो दो इसमें दो कॉन्सेप्ट है एक तो सेज है मतलब जो तुम्हारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट में है तब हमको टेंस चेंज करना है और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है नो चेंज सेम सेम रहने दो ठीक है कुछ भी चेंज नहीं करना है अगर पास्ट में है तभी चेंज करना है तो अगर प्रेजेंट में है तब तो दिमाग ही नहीं लगाना है कुछ करना ही नहीं है একো কৰিব নালাগে জাষ্ট তুমি যি লিখা আছে সেই বস্তুটো ডিপটো কপি পেষ্ট মাৰি দিয়া জাষ্ট লগাই দিয়া আৰু প্ৰণাউনটো চেঞ্জ কৰি দিয়া বাছ হৈ গ'ল অ'কে নেক্সট কনচেপ্ট ইজ ফিউচাৰ টেন্স ফিউচাৰ টেন্সত কি হ'ব উইল হৈ যাব ৱুড শেল হৈ যাব চুড কেন হৈ যাব কুড মে হৈ যাব মাইট দিছ ইজ দ্য অনলি থিং ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ফিউচাৰ টেন্স ठीक है व्हील हो जाएगा वुड शैल हो जाएगा शुड कैन हो जाएगा कुड और मे हो जाएगा माइट ठीक है ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान में रख लो आज एक सेकेंड हम एक चीज देख लेता हूँ तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस ने तो इसको इसको रख देते हैं फ्यूचर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे ठीक है मतलब उसके बाद कल क्लास खत्म कर देंगे इसका नरेशन का फिर प्रैक्टिस करेंगे सो तो আজি থাকিব দিওঁ আজি জাষ্ট মোৰ জাষ্ট বাকীখিনি টেনথ যিমান কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি চল্ভ কৰি লওঁ অ'কে ফিউচাৰটো আমি কালি চাই লওঁ এইখিনি হৈ গৈছিলে প্লিজ টেল মি দ্য আচাৰ অফ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ইট ইজ এপিয়াৰ্ডিং টু মি ডেট ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ডিফৰ্ম দ্য প্ৰেজেণ্ট কমিটি What is the error in this? Ukilbora. It appears to me. It appears. lovely सर्कल ए अंगित আছে কি অ্যাপিয়ারস ওকে লেটস সি আদারস আদারস এ প্রেরণা এ সংগীত হাজিরিকা ওকে ইট অ্যাপিয়ারস ওকে ইয়েস ইট ইজ கரेक्ट এটু আমি ক্লাস মানে একদম স্টাডি পড়িছিলো ন যে কিছুমান ভার্ব থাকে স্ট্যাটিক ভার্বস স্ট্যাটিক ভার্বস কিছুমান স্ট্যাটিক ভার্বস থাকে जुनবুর কেতিয়াও তোমার হেরিত না যায়

आई नो हर आई हैव नोन हर ओके आई नो हर नो होवो आई नो हर नो होवो बट आई अच्छा सी में एरर है तो क्या होगा गौरव सी में गौरव भाई सी में क्या होगा बोलो 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 कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं मतलब एरर कहाँ पे हो सकता है सी में क्या एरर है अगर एरर है तो फिर सी में क्या होगा करेक्ट करेक्शन बोलिए नहीं बोल है क्या ठीक है तो आई नो हर आई हैव नोन हर आई हैव नोन अदर्स प्लीज ट्राई टू आंसर ओनली फोर पीपल हैव फॉर दिस क्वेश्चन बाकी लोग देखो क्या है थोड़ा तो ट्राई तो करो ओके सो नो ऐसा वर्ड है नो नो वर्ड टू एने को वर्ड वर्ड है जो जो जार लोगों थेरी ना लगे कि तेरे हैव बीन नोइंग नोइंग बुली एकु वर्ड नहीं ओके नोइंग बुली एकु वर्ड नहीं देयर इज नो वर्ड लाइक नोइंग सो इट विल बी आई हैव बीन नोन नो 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 आई हैव बीन नोन फॉर मेनी इयर्स आई हैव बीन नोन हर फॉर मेनी I I have have been known her, I have known her difference है ना lovely सरकार I have known her, मतलब मैं उसको जानता हूँ known मतलब मैं खुद को मुझे लोग जानते हैं ठीक है ठीके? तो I have known her हो गई have known her this is the correct form have तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि फॉर है फॉर है तो have तो हटेगा ही नहीं have तो have के साथ verb का third form ही आएगा हैव के साथ दो ही चीज आता है ना के साथ क्या चीज आता है एक या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है और अगर थार्ड फर्म ओन प्लास आई एन जी निंग वार्डे नह निंग नाहे तार मानव ना हैव और वार्व थार्ड फॉर्म नो वार्ड थार्ड फॉर्म कि है नो नि

পেচেণ্ট ট্ৰাইড টু টেলাছ পেচেণ্ট ট্ৰাই কৰিছিলে আমাক ক'বলৈ অ'কে চ' দিছ ইজ ইজি ন' দিছ ইজ পাষ্ট টেন্সৰ কথা কৈ আছে অবভিয়াছলি দিছ ইজ ৱাট পাষ্ট টেন্স হ'ব ন ছ' হেজ নহ'ব হেড হ'ব আগৰ কথা হয় নকে চল' নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টুডে আফটাৰ দেট ইয়ৰ ক্লাছ ইজ অভাৰ প্লিজ ট্ৰাই দিছ কুৱেশ্যন बहुत इजी है ये कीप इट इन ओके कीप वांटेड अंकिता बेस भाभी लैस तुम्हें

दिस इज कॉल इन इंग्लिश पैरिज्म के साथ जो भी वर्ड है ना अगर आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आता है ना तभी भी आप ये निकाल लोगे एंड के साथ जो दोनों वर्ड है एंड का राइट right में और एंड का लेफ्ट में एंड और लेफ्ट साइड किया आई वॉन्ट यू टू पिकअप नो पिकअप नॉर्मल वी वन एंड कीप ও ৱানটেড ইয়াতে এইটো একো এৰাৰ নহয় ওৱান ওৱানটেড সেইটো তুমি ওৱানটেডো লিখিব পাৰা ওৱান টু লিখিব পাৰা বহুত আৰ কাৰেক্টেল ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট ইউ কেন আস্ক আদাৰৱাইজ ক্লাছ ইজ অ'ভাৰ থেংক ইউ এভৰি ওৱান ইউ কেন লিভ দ্য ক্লাছ দাৰ হৈ গ'ল আৰু একো নপঢ় আজি আকৌ নেক্সট ক্লাছ কালি থেংক ইউ এভৰি ওৱান Thank you